है, मैं आपके साथ अरीशा सफदर आपको अपडेट देने जा रही हूँ आपके शहर और शहर के आसपास की। कानपुर और कानपुर के आसपास हो रही घटनाओं पर लगातार हमारी नजर बनी रहती है। तो ये है दिन भर की खबरें। करौली शंकर महादेव धाम से रोग मुक्त शोक मुक्त भारत बनाने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न जगहों से होते हुए कानपुर के सरसैया घाट पहुंची, जहां करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। साथ ही जीव जंतुओं से प्रेम भाव रखने के प्रति जागरूक भी किया, जिसकी शपथ दिलाते हुए समाज में इस संदेश को पहुंचाने के प्रति संकल्पित किया गया। यात्रा में शामिल लोग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हरिहर का उद्घोष कर रहे थे। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। कानपुर शहर में 80 करोड़ रुपए से मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इसे MHPAL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गंगा इंफ्रा बिल्ड मिलकर बना रही है। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका लोकार्पण लखनऊ से किया था। इस संबंध में बीजेपी सांसद श्री सत्यदेव पचौरी और नगर आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति के बारे में जाना। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, ये कानपुर के औद्योगिक विकास के लिए है। आपने कल देखा होगा जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया, तो ये उसका सपोर्टिंग है। वहाँ उत्पाद बनेंगे, यहाँ प्रदर्शनी लगेगी, लोग आएंगे, काम होगा, क्योंकि वो तो शहर के बाहर बन रहा, शहर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, डिफेंस के माल बिकेंगे। इसके लिए ये कन्वेंशन सेंटर बहुत उपयोगी है और वैसे भी एक जिला। कानपुर में दो दिन बाद बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं, जिसका असर मार्च के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर से मौसम में बदलाव किया है। आसमान में हल्के बादल छाने के साथ चली मिक्स हवाओं की वजह से दिन में हल्की ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दो दिन बाद हल्की बूंदाबांदी और मार्च के पहले सप्ताह में देश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आसमान में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना भी है। कानपुर के जाने माने पत्रकार एवं लेखक श्री सौरभ उमर द्वारा प्रकाशित पुस्तक लॉकडाउन मन की बात की सफल लॉन्चिंग की गई। इस दौरान लोकसभा सचिवालय दिल्ली के संयुक्त सचिव राजेश रंजन कुमार द्वारा पुस्तक की तारीफ की गई और उनके लेखन को लेकर शुभकामनाएं दी गई, जिसका विशेष सत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना त्रासदी और उस दौरान लगाए गए लॉकडाउन को लेकर देश के विद्वान जनों के विचार को संकल्पित करने का रचनात्मक कार्य की सराहना की गई है। कानपुर के विभिन्न टेम्पो ऑटो यूनियन ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात करते हुए पूरे शहर के टेम्पो ऑटो को रजिस्टर्ड और व्यवस्थित करने हेतु ज्ञापन सौंपा। सीपी साहब से मैंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनसे मैंने सारी परिस्थितियां बताई और वो उससे संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए सराहनीय कार्य रहे, उनको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोगों का समन्वय बनाकर मैं तभी कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी पहलू पे आज हम लोगों की विस्तृत जानकारी हुई, वार्ता हुई, क्योंकि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर ही ऐसा है जिस समय अवैध स्टैंडों का माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश जारी हुआ था संचालन बंद कराने के लिए, कानपुर नगर की एसोसिएशन संयुक्त रूप से सारी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्थाएँ हैं ये सभी माननीय उच्च न्यायालय गई थी, जिसके संबंध में सचिव उत्तर प्रदेश शासन निकाय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए मेरी याचिका पेंडिंग है और उस पर कार्रवाई चल रही है। तो उसके चलते फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया, आदेश आने के उपरांत फिर बैठकें हुई, बैठक होने के बाद फिर जाके सुव्यवस्थित स्टैंडों का चिन्हांकन हुआ। इस दौरान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में रजिस्टर्ड टेम्पो की संख्या मात्र 6,749 है और मात्र 20 स्टैंड ही पंजीकृत हैं, जिनका शुल्क तो लिया जाता है लेकिन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। वहीं यूनियन की बातों को सुनते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जिलाधिकारी कानपुर नगर, नगर निगम, पुलिस विभाग और टेम्पो ऑटो यूनियन की बैठक कराई जाएगी ताकि सभी लंबित समस्याओं का निस्तारण हो सके। तो ये थी दिन भर की खबरें जो बनी रही शहर की सुर्खियों में।
ऐसी ही जानकारी और अपने शहर की पसंदीदा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लोकल वोकल कानपुर से। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें और प्ले स्टोर पर जाके हमारे लोकल वोकल ऐप को इंस्टॉल करें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।